मम्मी हम नानी के घर कब पहुंचेंगे? बस और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटा। जैस्मिन अपने माँ के साथ अपने नानी से मिलने जा रही थी। हर साल स्कूल के छुट्टियों में जैस्मिन अपने नानी के घर घूमने के लिए जाती है। जैस्मिन की माँ लुइस एक ऑफिस में काम करती है। अपनी नौकरी के कारण लुइस को अपनी माँ से दूर रहना पड़ा और ऑफिस के काम की वजह से वो अपनी माँ से मिलने बहुत कम आती थी और इसीलिए लुइस अपने माँ से मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पूरे एक साल के बाद वो अपने माँ से मिलने जा रही थी। जैस्मिन भी बहुत खुश थी। जब लुइस घर के सामने आकर पहुंची, तब उसने देखा कि घर के आसपास बड़े बड़े घास और जंगली पेड़ पौधों से भर चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत दिनों से इस जगह पर कोई आता जाता नहीं है। ये देखकर लुइस को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि पिछले साल जब वो यहाँ आई थी तब इस जगह की ऐसी हालत नहीं थी। मॉम, मॉम मॉम कहाँ है आप? मॉम अरे बेटी तू आ गई? हाँ हाँ बैठ यहाँ पे। मॉम आप बहुत कमजोर और दुबली लग रही हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मॉम आपके फोन को क्या हुआ है? मैं जब भी फोन करता हूँ आपका फोन स्विच ऑफ रहता है, आपको पता है मैं कितनी परेशान थी मॉम। हाँ हाँ वो फोन हाथ से गिर के टूट गया है। तू यहाँ क्यों आई है? मतलब कोई काम था क्या यहाँ पे? क्या आप ये सब क्या कह रहे हैं मॉम? क्या आप मुझसे नाराज हो?
नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ऑफिस से फोन। हाँ सर बोलिए। हाँ लुइस, सुनो कल सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो कल तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। लेकिन सर मैंने तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे याद है, लेकिन ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम प्लीज कल टाइम पर ऑफिस आ जाना। शिट मॉम, ऑफिस से फोन था, हमें आज ही जाना होगा। लेकिन मॉम आपने तो कहा था कि हम कुछ दिनों के लिए नानी के घर पर रहेंगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे कल ऑफिस जाना ही होगा बेटा। प्लीज मॉम, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मैं 2 दिन बाद आके तुम्हें ले जाऊंगी। मॉम मैं निकलती हूँ, अगर मैं अभी नहीं निकली तो मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी। आप अपना और जैस्मिन का ध्यान रखिएगा। नानी नानी मुझे भूख लगी है। जैस्मिन ये देखकर चौंक गई कि नानी जब घर के अंदर गई तब दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया, और उसे ये भी अजीब लगा कि नानी उससे बात भी नहीं कर रही थी। जैस्मिन ने सोचा कि शायद नानी कुछ काम करने गई होगी। जैस्मिन समझ नहीं पा रही थी कि उसकी नानी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी, लेकिन जैस्मिन को क्या पता था कि वो जिसे अपनी नानी समझ रही है वो कोई और है। उस जले हुए मीट को थोड़ा सा खाते ही जैस्मिन को नींद आने लगी।
दो दिन बाद जब लुईस अपनी बेटी को लेने आई, तब उसने जो देखा वो बहुत ही डरावना था। जैस्मिन मर चुकी थी। बहुत ढूंढने पर भी लुईस की माँ का कुछ पता नहीं चला। इसी घर में छिप जाता हूँ, पुलिस मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी।